साथ मैं मयूरी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास कार्यक्रम गुरुजी की भविष्यवाणी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन अवगत कराते हैं आपके भविष्य फल के बारे में और गुरुजी करते हैं ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आपकी हर शंका का समाधान। तो स्वागत करते हैं आचार्य तुषारापाद जी का। तो सबसे पहले जानते हैं गुरुजी से आज की तिथि में क्या कुछ खास है। काली कल्याणकारी, आप सभी में स्थित ईश्वरीय शक्ति को प्रणाम। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। पूर्वाहन 9:19 से पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। बुध की होरा में सूर्यदेव उदय हुए हैं, अतः आज बुधवार है। चंद्रमा कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो पूर्वाहन 11:23 पर हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आज चंद्रमा के 2 में रहने के कारण प्रत्येक राशि के लोगों के जीवन में परिवर्तन मध्यम होगा। अब गुरुजी से जानेंगे राशियों पर गुरुजी की क्या है भविष्यवाणी। मेष राशि के जातक आज व्यर्थ के दुखों से ग्रसित रह सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े कार्यों से अनजाना भय बनेगा। कार्यालय में अपने से नीचे पद के किसी व्यक्ति से समस्या हो सकती है। शिक्षा, व्यापार आदि क्षेत्रों में कुछ विशेष घटित नहीं होने से थोड़ी सी निराशा हो सकती है और दाम्पत्य जीवन में भी समस्या रहेगी। यदि आज आप अपनी वाणी मधुर रखेंगे तो दिन सामान्य रूप से व्यतीत हो जाएगा। आज के दिन हरा रंग अंक 5 तथा उत्तर पश्चिम दिशा कष्ट देने वाले हो सकते हैं, इनसे बचकर रहें। दोपहर 1 से 2:30 तक विशेष सावधानी बरतें और किसी विशेष कार्य का आरंभ आज ना करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और बाधाओं को दूर करने के लिए यह रक्षा कवच अपनाएं। दाहिने हाथ में गिलास में जल लेकर ओम शम इस मंत्र को 11 पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आज का दिन सामान्य से कम अच्छा रहेगा। किसी छोटी सी बात पे जीवन साथी से बड़ा झगड़ा आरंभ हो सकता है। ऑफिस में किसी कर्मचारी के कारण आपकी प्रतिष्ठा की हानि संभव हो सकती है। साय होते होते किसी न किसी तरह के कोई लाभ होने की खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। आज के दिन लाल रंग अंक 9 तथा दक्षिण दिशा कष्ट देने वाले रहेंगे, इनसे बचने का प्रयत्न करें। दोपहर 2 से 3 के मध्य विशेष सावधानी बरतें और किसी विशेष कार्य का आरंभ आज के दिन ना ही करना अच्छा रहेगा। आज आपका दिन अच्छे से बीते इसके लिए इस रक्षा कवच का उपाय अपनाएं। अपने दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम नमः इस मंत्र को 11 पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि, आज अपनी माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। वाहन कागज इत्यादि की हानि के छोटे छोटे योग भी बन रहे हैं, इसलिए आज अपने वाहन और अलमारी की चाबी संभाल कर रखें। संतान पक्ष से आपको कष्ट हो सकता है। कोई पुराना मित्र आज मिलने आ सकता है। धन से जुड़े कार्यों में बाधा आ सकती है। आज के दिन नारंगी रंग अंक 3 और पूर्व दिशा से कष्ट हो सकता है, अतः सावधान रहें। आज दोपहर 1:30 से 3 के मध्य विशेष सावधानी रखें। किसी विशेष कार्य के आरंभ से आज बचें, उसे कल के लिए टालना ही बेहतर होगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और अपनी सभी बाधाओं को दूर करने के लिए यह रक्षा कवच अपनाइए। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम धम इस मंत्र को 11 पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। कर्क राशि की महिलाओं को आज उनके मायके की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज के दिन कर्क राशि के जातकों को व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से बचना चाहिए। अपने सीने से जुड़े रोगों के प्रति सावधान रहें। कार्य क्षेत्र में किसी क्लर्क अथवा वाणिज्य कर्मचारी से कुछ समस्या आ सकती है। देर रात नींद न आने की परेशानी हो सकती है, अतः आज जल्दी सोने का प्रयत्न करना आपके लिए अच्छा होगा। आज के दिन हरा पीला रंग
अंक 8 और उत्तर दिशा से कष्ट हो सकता है, अतः सावधान रहें। आज दोपहर 3 बजे से 4 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें। किसी विशेष कार्य के लिए आज अच्छा दिन नहीं है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं को दूर करने के लिए ये रक्षा कवच अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम ह्रीम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। सिंह राशि, आज दोपहर तक अचानक धन लाभ हो सकता है, किंतु सूर्यास्त होते होते आया हुआ धन कहीं व्यर्थ खर्च भी हो सकता है। आज के दिन आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करना घातक सिद्ध होगा। जीवन साथी के साथ आज व्यर्थ की बहसबाजी से बचना ही आपके लिए सही रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपने उच्च अधिकारी से आज आपको सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा। आज गहरे नीले रंग अंक 2 और पश्चिम दिशा से कष्ट हो सकता है। साय 6 बजे से 8 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें और किसी विशेष कार्य का आरंभ आज के दिन बिल्कुल भी ना करें। आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीते और कोई भी बाधा आपके कार्यों को रोक ना पाए, उसके लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम रीम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन अच्छा बीतेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले आज दुविधा में बने रहने वाले हैं। निर्णय नहीं कर पाएंगे कि जो कार्य आपके द्वारा हो रहे हैं वो आपको लाभ पहुंचाएंगे अथवा हानि। इसी ऊहापोह में आज आपका पूरा दिन निकल जाएगा। वैसे आज आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य दूरगामी सकारात्मक परिणाम देंगे, इसमें संशय नहीं है। मुख्य रोगों के प्रति सचेत रहें। आज के दिन बैंगनी नीला रंग अंक 7 और दक्षिण पश्चिम दिशा से कष्ट हो सकता है। पूर्वाहन 10 बजे से 11 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें और किसी विशेष कार्य के आरंभ का आज कोई अच्छा समय नहीं है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए ये रक्षा कवच अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम एंग इस मंत्र को 11 बार जपें और उस जल को पी जाएं। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तुला राशि, आज आप अपने ऑफिस या व्यापार के लिए कहीं लंबी यात्रा पर निकल सकते हैं। आपके मन में तरह तरह के विचार पिछली रात्रि से ही चल रहे हैं, किंतु ये व्यर्थ की शंकाएं हैं। ऐसा कुछ बुरा नहीं होने जा रहा। प्रेमियों और पति पत्नी के मध्य शाम के बाद कुछ मन मुटाव हो सकता है, किंतु अपनी संतान से आज आपको किसी उपहार आदि की प्राप्ति हो सकती है। आज के दिन सफेद रंग अंक 4 और जल क्षेत्र से कष्ट हो सकता है। साय 6 बजे से 7 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें और आज का दिन किसी विशेष कार्य को आरंभ करने का नहीं है। आज के दिन को पूरी तरह कैसे सफल बनाएंगे, उसके लिए करिए ये एक सरल सा उपाय। इस रक्षा कवच को अपनाने से आपके ये कार्य बन जाएंगे। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम क्लीं इस मंत्र को 11 बार पढ़कर उस जल को पी जाएं। दिन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, यदि आप साझेदारी में किसी कार्य को करते हैं तो आज किसी पार्टनर से आपकी अनबन होकर धन हानि के योग हैं। पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं, जो कि सामान्य चिकित्सीय सलाह से ठीक भी हो जाएंगे। आज रात्रि तक आपको विदेश अथवा आपके जन्म स्थान से अधिक दूरी से आजीविका का कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, जो आपके भाग्य को अप्रत्याशित रूप से बदल देगा। आज के दिन भूरे रंग अंक 5 और आग्नेय दिशा से कष्ट हो सकता है। दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें और किसी विशेष कार्य का आरंभ आज आपको नहीं करना है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और दिन को बाधाओं से मुक्त करने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम भाम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन अच्छा बीतेगा।
धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए वैवाहिक और प्रेम संबंधों में समस्याओं के योग बने हुए हैं। व्यर्थ के अहंकार और अभिमान से भरे वाणी से आपके संबंधों में दरार आ सकती है, इसलिए आज किसी भी अच्छी बुरी बात पर जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने से बचें। धन, उच्च शिक्षा, आजीविका और व्यवसाय के क्षेत्रों में भाग्य का पूरा पूरा साथ आज आपको अवश्य मिलेगा। आज के दिन लाल रंग अंक 2 और पूर्व दिशा से कष्ट हो सकता है। रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें और कोई भी अपना बड़ा कार्य आज के दिन ना आरंभ करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और अपनी बाधाओं मुक्त जीवन के लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम श्रीम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को ग्रहण कर लें, दिन अच्छा बीतेगा। मकर राशि। आज के दिन के आरंभ में आप प्रसन्न होकर उत्सव मना रहे होंगे, किंतु सूर्यास्त के बाद मन छोटी छोटी बातों पर खिन्न हो सकता है। आज आपको गले में कुछ पीड़ा हो सकती है, जिससे पूरे दिन आप बेचैनी महसूस करेंगे। आज के दिन किसी भवन भूमि के क्रय विक्रय के किसी भी प्रस्ताव पर भूल कर भी कार्य न करें, अन्यथा न उतरने वाला ऋण आप पर चढ़ सकता है। आज के दिन सफेद रंग अंक 6 और दक्षिण पश्चिम दिशा से कष्ट हो सकता है। साय 7 बजे से 9 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें और कोई विशेष कार्य का आरंभ आज न करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम स्वाहा इस मंत्र को 11 बार पढ़िए और उस जल को ग्रहण कर जाइए, दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ राशि। आज आप जो भी कुछ किसी को कहना या समझाना चाहेंगे उसका उल्टा ही प्रभाव होगा। अपनी संतान विशेषकर पुत्रियों की उच्च शिक्षा को लेकर आप चिंता में आज दिन बिता सकते हैं। प्रेमियों और दंपतियों के लिए आज का दिन कुछ शक भरा माहौल देने वाला हो सकता है, किंतु एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा जिसे सोच सोच कर आप अत्यधिक सतर्कता बरतने से मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। आज के दिन गुलाबी रंग अंक 5 और उत्तर पूर्व दिशा से कष्ट हो सकता है। सूर्यास्त के बाद विशेष सावधानी रखें और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को आज आरंभ ना करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और बाधाओं को दूर करने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम लम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। मीन राशि। आज के दिन अपने आगे किसी की राय अथवा सलाह न मानने की आपकी प्रवृत्ति होगी, किंतु इससे आगे चलकर आप बड़ी हानि उठा सकते हैं। रक्तचाप और मोटापे के शिकार व्यक्तियों को आज के दिन अपने खान पान में लापरवाही करना गंभीर कष्ट पहुंचा सकता है। यदि संभव हो तो आज साय कहीं सैर पर निकल जाएं, आपके मन को स्थिरता प्राप्त होगी। आज के दिन सुनहरा रंग अंक 1 और 3 तथा पूर्व दिशा से कष्ट हो सकता है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें। अपने सभी बड़े प्रोजेक्ट इत्यादि आज के दिन टालना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम यम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। चलिए आज की विशेष बात में जानते हैं, यदि आपके यहाँ कोई बीमार हो और बीमारी ना जा रही हो तो क्या कुछ उपाय करना चाहिए, जानते हैं गुरु जी से। यदि आपके यहाँ कोई ना कोई बीमार ही बना रहता हो या दवा रिपोर्ट इत्यादि करा कर थक गए हो, फिर भी ना तो रोग ठीक हो रहा हो और ना ही बीमारी का कारण पकड़ में आ रहा हो, ऐसा घर के किसी सदस्य या कई सदस्यों के साथ होता हो, किंतु विशेषकर यदि बच्चों के साथ बार बार हो रहा हो तो दो उपाय करें। पहला तो ये कि अपने घर में भोजन पकाने के बर्तनों
तथा भोजन परोसने और खाने पीने के बर्तनों को ध्यान से देखिए। यदि वे टेढ़े मेढ़े हो गए हों, धातु में काले काले धब्बे आ गए हों या वर्षों पुराने हो गए हों, तो उन्हें बदल कर अच्छी गुणवत्ता के नए बर्तनों का प्रयोग करें, रोग दूर हो जाएंगे। दूसरा विशेष उपाय यह करें कि मिट्टी की एक छोटी सी मटकी में कंकड़ी नमक भर लें और इस भरी हुई मटकी को घर की दक्षिण दिशा में रख दें और प्रतिदिन स्नान के बाद उस मटकी में एक चुटकी पिसी हल्दी डाल दिया करें। 21 दिन तक लगातार घर का कोई भी एक सदस्य यह उपाय करे और साथ ही चिकित्सीय सलाह और इलाज का पूर्ण पालन करे, तो काली कृपा से घर से रोग विदा हो जाएंगे, बीमारी का कारण पता लग जाएगा और दवा और इलाज का लाभ मिलने लगेगा। मां काली कृपा से आप सब स्वस्थ, सुखी और संतुष्ट रहें, इसी कामना के साथ आज के लिए आपसे विदा। कल पुनः भेंट होगी। काली कल्याणकारी।